हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सर्वर में सबसे पहले SMG कैसे बाय कर सकते हैं या फिर आपको कैसे मिल सकता है। देखो, जो रेंडमली आपको मिलता है सर्वर में उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मार्टबोर्ड से बाय करना होगा सबसे पहले। तो इसके बारे में मैं पूरा बताने वाला हूं। तो यार, सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो अपना एशियन टाइम है यानी एशियन जो सर्वर होता है उसमें सर्वर पहले कैसे आता है, मतलब किस टाइम पर आता है सर्वर, ठीक है। तो वो देखो टाइम होता है यार अपने इंडिया टाइम में 10:30 एंड शायद पाकिस्तान में शायद आधा घंटा ऊपर होता है नीचे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ है नेपाल में भी शायद टाइम ऊपर नीचे पता नहीं उसका भी मेरे को, लेकिन अपने हिसाब से आप देख लेना कि कौन से टाइम में आता है। लेकिन 10:30 बजे इंडिया टाइम में सुबह के आ जाता है नया सर्वर, हर दिन एक नया सर्वर आ जाता है ब्लडी में, रैम्पेज में, ओके। एंड आपका जैसे कि रैंक की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 दिन में या फिर 4 दिन में एक सर्वर आता है, कोई सा भी सर्वर हो, ठीक है। उसमें मैं ज़्यादातर आपको बता सकता हूँ कि CA Mix and CA PC आपके सबसे बेस्ट सर्वर होने वाला है, ठीक है। CA Mix and CA PC ये दोनों जो सर्वर होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका पिंग अच्छी आती है, यहाँ पर आपको डैमेज वगैरह अकाउंट जो है ना प्रॉपर होता है एंड कुछ भी डिले नहीं होता यार। अगर हाँ कुछ सर्वर में दिक्कत हो तो डिले हो सकती है एंड लैग वगैरह का तो उतना रहेगा यार, वो तो गेम का ही वो है पार्ट है, हो सकता है कि लैग वगैरह होना। फिलहाल अभी बात करते हैं कि आप सबसे पहले कैसे बाय कर सकते हो। अब जैसे 10:30 बजे आप आओगे तो अपने दोस्तों के साथ हो या फिर अकेले, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दोस्तों के साथ हो तो भाई बहुत ही जल्दी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक भी बता सकते हैं इसको, टिप्स भी। तो यार सबसे पहले आपको लोकेशन देखना है कि जो मार्ट बोट है उसके पास आपको जाना है, ठीक है। तो आपको रेंडमली जाना पड़ेगा एंड देख लेना कि SMG बाई हुआ है कि नहीं, वैसे तुरंत ही जाओगे तो कहाँ बाई होगा, ठीक है। आपको 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है तो आप आराम से बाई कर सकते हो। तो यार सभी गैस स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपको जाना होगा, कोई सा भी गैस स्टेशन हो वहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। एंड अपने दोस्तों की बोलना कि मार्ट बोट के जितना भी पास हो सके उतना ज़्यादा रहना, कोई सा भी मैप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मैप में एक आध तो गैस स्टेशन मिल जाती है, तो वहाँ से अगर स्टार्ट करोगे ना थोड़ा स्पेयर वहाँ से मिल जाएगा एंड थोड़ा डेली क्विस्ट से मिल जाती है, उससे भी कैसे ले सकते हैं स्पेयर वो भी बता देता हूँ। देखो नॉर्मली रैंक पता है 1x रहता है यार, तो 1 तोड़ने पे आपको 2 ही मिलेगा और यहाँ पर आपको 3 मिलती है। तो यार इस हिसाब से अपन जल्दी ले सकते हैं ब्लडी या फिर रैम्पेज में। तो ब्लडी रैम्पेज को एकदम सिंपल, अगर सोलो बंदा भी जाए तो तुरंत ले सकते हैं, लेकिन हाँ वही बात करें रैंक सर्वर की तो वहाँ पर आपको पूरी टीम चाहिए यार। अगर आप सोलो बंदे तो भी अपन कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में तुरंत ही अपन एंटर करके अपन चालू करते हैं तो। फिलहाल यार आपको देखो छोटा छोटा सा जो होता है वो चीज़ बता देता हूँ, जैसे अपन जो डेली क्विस्टर का होता है ना 100 बोलो या 50 बोलो, वो स्पेयर अपन ले सकते हैं इजीली। तो उसके लिए भाई आपको छोटा छोटा सा जो सा मिशन होता है वो करना होता है, चलो मैं उसको बता देता हूँ कैसे करना है। तो गैस स्टेशन का बात इसलिए करता क्योंकि वहाँ पर सप्लाई चेस्ट एंड जितना भी चेस्ट वगैरह होता है यहाँ पर मिल जाता है आपको, फूड चेस्ट वगैरह सब। तो देखो यहाँ पर आपको जाना है एंड जैसे क्विस्ट ओपन होगा, ये वाली नहीं है, ये वाली अपना दूसरा वाला जो बॉक्स है उसको दबाना है एंड यहाँ पर डेली क्विस्ट, यहाँ पर देख सकते हो आपको डेली लॉगिन करना होता है एंड 3 बैंडेजेस मारनी होती है एंड सप्लाई चेस्ट होता है एंड एक क्या नाम है एक फूड चेस्ट होता है एंड 10 कोई भी प्रकार का मतलब 10 हिट मारना बोल सकते हो, ORs वगैरह 10 तोड़नी होती है या फिर 10 हिट मारनी होती है, ऐसा कुछ रहता है। तो यार जो भी ईजी है वो कर लेना, बता रहा हूँ सबसे ईजी है कि भाई आप गैस स्टेशन पे जाना, एक आध जोम्बी हो तो जाहिर सी बात मार सकते हो, 3 जोम्बी मारनी होती है एंड 3 बैंडेजेस जो होती है लगानी होती है एंड 10 चीज़ें है तो जाओ तो सबसे सिंपल है 10 चीज़ें क्राफ्ट कर लो एंड 3 बैंडेजेस मार लो और भाई चुपचाप से निकल जाओ अपने लोकेशन पे जहाँ पर आपको बाई करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है, हम लोग क्या करते हैं जल्दी से बैंडेज लेते हैं एंड जो गैस स्टेशन होता है ना वहाँ से फटाफट से सप्लाई चेस्ट तोड़ लेते हैं एंड एक फूड चेस्ट, तब में पूरा मिशन कम्प्लीट होता है। 3 आपको मिशन कंप्लीट करना होता है फिर आपको मिल जाता है स्पेयर जो 100 होती है, वो 100 या फिर 50 बोलो, वो तो सर्वर के हिसाब से होगा, ब्लडी होगा तो जस्ट 2x हो जाएगा एक्स्ट्रा एंड नॉर्मल सर्वर में तो वाई 50 का 50 मिलेगा। तो यहाँ पर 100 आपका या फिर 50 बोलो इधर हो गया एंड थोड़ा बहुत आप इस पर कलेक्ट करोगे एंड थोड़ा बहुत आपका टीममेट करेगा, उसके बाद एक साथ जाके वहाँ पर इजीली बाय कर सकते हो, सबसे पहले आप ही को मिलने वाला अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे तो। बाकी लोग भी आएंगे लेकिन यार थोड़ा टाइम लगता है, अगर सबसे पहले आप पहुंचो वो भी गैस स्टेशन के पास में तो जाहिर से बात है यार ये काम एकदम से इजी हो जाती है, क्योंकि गैस स्टेशन में रहोगे तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि गैस स्टेशन जाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी एंड सर्वर वगैरह का टाइम भी पता चल गया किस टाइम पर आता सर्वर, नया सर्वर की बात कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी लोगों को पता चल सके। ऐसे ही मिलते किसी एक और नए वीडियो के साथ, चलो बाय।